हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलयन के दो और मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारे से टॉपिक हैं। टॉपिक है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन और दूसरा है हिमांक में अवनमन। दोनों बहुत ही लाजवाब टॉपिक हैं। इसमें बच्चों परिभाषा भी पूछा जाता है, लेकिन परिभाषा से ज्यादा इस पे जो फार्मूला होता है उस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, हर सेट में पूछता है, वो भी पूरे 3 नंबर में। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इनका आज निपटारा कर देते हैं। बाकी बच्चों पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट जो बनाया है सारी वीडियो आपको सिस्टम से वहीं पर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर विलयन का ही टॉपिक है, ठीक। चलिए अब यहां पर हम करते क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। एक हमने क्या किया बच्चों, पात्र ले लिया। एक पात्र है, ठीक है ना, कोई पात्र है भाई, बर्तन, ठीक है। एक हमने क्या किया, कोई पात्र या बर्तन ले लिया है, और इसमें क्या है भाई, इसमें मान लेते हैं कि विलायक है। अब विलायक क्या होता है बच्चों, वो तो पता है, जैसे जल है, ठीक है ना। विलायक हमने भर लिया, ठीक। अब हमारी हेडिंग ही है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक क्या कहते हैं, तो क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है बच्चों, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे उसको बोलते हैं क्वथनांक, बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो भाई क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाए उसी को बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। अब इसको समझिएगा, हमने क्या किया बच्चों, एक पात्र में विलायक ले लिया, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये विलायक है, ठीक। ये क्या है बच्चों, विलायक है। अब इसमें क्या करते हैं, कोई बाहर से हम अवाष्पशील कोई विलेय पदार्थ घोल देते हैं, ठीक। हमने क्या किया इसमें, कोई बच्चों अवाष्पशील, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने इसमें घोल दिया। अब हमको पता है कि जब हम कोई चीज घोलते हैं बच्चों तो इसमें क्या होगा भाई, वाष्प दाब में कमी आती है। जब वाष्प दाब में कमी होगी तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये चीज बच्चों राउल्ट के नियम भी में भी आपको बताया था, राउल्ट के नियम में बताया था, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, कोई अवाष्पशील कोई विलेय पदार्थ जब घोलते हैं तो इससे क्वथनांक में, ये विलायक का जो क्वथनांक जितना बढ़ जाता है उसी को अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा कुछ भी आपने घोल दिया, तो घोलने के बाद क्वथनांक में जितने जितनी वृद्धि हो जाती है उसी वृद्धि को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और क्वेश्चन बनता है कि इसका मोललता से क्या संबंध होता है, तो चलिए इसको लिखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। परिभाषा समझ में आ गया, फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों, कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है ना। अभी अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए परिभाषा लिखते हैं बच्चों, परिभाषा लिखेंगे, किसी किसी विलायक में, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, कोई अवाष्पशील विलेय, अब विलेय का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी मात्रा कम हो विलयन में, या जो घोलते हैं विलेय होता है, जिसमें घोलते हैं विलायक होता है, जब दोनों मिलते हैं विलयन बनता है ना, वही चीज। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो, ठीक, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं, घोलने पर यहां पर लिखो भाई, पदार्थ घोलने पर क्वथनांक, घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। सीधी सी बात बच्चों, ठीक। और इसे
डेल्टा टी सफिक्स बी या टीबी से दर्शाते हैं। ठीक, ये होता है। अब यहां पर बच्चों इसका मोललता से क्या संबंध होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फार्मूला लिख लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में, इधर से थोड़ा लिखते हैं भाई, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक गुणे मोललता। ठीक, अब भाई मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, ये सब बताया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बच्चों क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी बराबर। अब यहां पर भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से लिखते हैं गुणे, अब मोललता बराबर होता क्या है, भार बटे अणुभार, ये तो होता ना बच्चों भार बटे अणुभार होता है गुणे कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार गुणे 1000, कब, जब ये ग्राम में रहा हो, ठीक, यानी ग्राम में हो। तो ये होता भाई मोललता का लिखेंगे भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पे 1000 रहेगा, कब, जब ये वाला ग्राम में रहता है, ठीक। तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो भाई ये हमारा एक कंप्लीट फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा डेल्टा, डेल्टा टी सफिक्स बी, ठीक, ये बन जाएगा डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर, ये इसको सही से लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1000 गुणे ये के बी हो जाएगा गुणे डब्ल्यू अपान नीचे क्या हो जाएगा बच्चों एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका हो जाता है मेन फार्मूला, ठीक। याद रखना बच्चों इसी पर न्यूमेरिकल बनते हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर बच्चों इसी फार्मूले पर बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। परिभाषा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक, इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। बाकी ये तो बच्चों हमने बताया जो संबंध होता है भाई कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता, ठीक। तो यहां से ये फार्मूला निकल कर आया भाई, सबका मतलब अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए बिल्कुल सब चीज का मतलब, डेल्टा टीबी एक तरफ से सब फिर से लिख देते बच्चों। अब उसके बाद ये के बी क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है भाई, एम क्या है, ठीक, एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई ये डेल्टा टीबी क्या है, तो इसको बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, ये तो पता ही है कि क्वथनांक में उन्नयन यानी जो वृद्धि होती है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और के बी क्या है, तो इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, क्लियर। अब उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है बच्चों, विलेय का भार, विलेय का मतलब बच्चों जो कुछ घोला जाता है, विलेय का भार उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। और एम क्या होता है, तो ये होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू जो होता है ये है विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है ना। तो ये सैंबल का मतलब जानना बेहद जरूरी है, तभी बच्चों आप न्यूमेरिकल में सारी चीजों को सिंपल तरीके से पहचान पाओगे कि भाई कौन क्या चीज है, क्लियर। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक। हो गया, अब चलिए देखते हैं दूसरा, दूसरा जो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, एक मिनट, हाँ, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन। अब थोड़ा समझिएगा, अभी हमने बताया कि भाई जैसे मान लेते हैं कोई पात्र है, ठीक है ना, एक मिनट, हमने बताया कि बच्चों जैसे कोई पात्र है, ठीक। अब इस पात्र में हमने क्या बताया कि भाई जैसे भरा हुआ है विलायक, ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया,
तो इसमें बताया था कि क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे बोलते हैं मोलल उन्नयन, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। बट यहां पर क्या है? यहां पर है हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या होता है? तो हिमांक क्या होता है बच्चों? वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई, देखिए हिमांक, हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक है ना, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ जम जाए, या फिर सिंपल सी बात है जिस पर द्रव क्या होता है, जम जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाए, यानी सॉलिड अवस्था में आ जाए या फिर बर्फ बन जाए, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पर वो हिम बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक। तो जो परिभाषा इसके पहले आपने लिखा सेम वही परिभाषा होगा, बस थोड़ा सा अंतर। इसमें क्या होगा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलते हैं तो हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। वहां पर क्या था बच्चों? कि वहां पर था कि क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, लेकिन यहां पर है कि हिमांक में जो कमी होती है उसको हिमांक में अवनमन कहते हैं। सीधी सी बात, तो परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि किसी विलायक में, ध्यान से समझिएगा, सेम उसी तरह परिभाषा होगा कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर हिमांक में क्या हो जाएगा बच्चों? हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्लों? अवनमन। हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब हिमांक में भाई अवनमन कहते हैं, इसको किससे दर्शाएंगे? तो इसको दर्शाते हैं बच्चों, इसे डेल्टा, वहां पर टी बी था तो टी एफ, यहां पर क्योंकि बी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्वथनांक में, यहां पर टी एफ है तो यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट यानी एफ है से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको इससे क्या है बच्चों? दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इसका भाई वही चीज कि इसका संबंध मोललता के साथ क्या होता है, तो भाई ये होता है कि हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता, ठीक। ये होता है, ये क्या होता है? संबंध होता है, ठीक है ना। तो यहीं से इसका जो फार्मूला निकल कर सामने आता है, ठीक। तो फिर इसको लिखते हैं बच्चों, हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ बराबर, फिर लिखते हैं भाई मोलल अवनमन स्थिरांक को के एफ से लिखा जाता है, गुणे ये मोललता होता है भाई वही चीज डब्लू बाई ये एम गुणे यहां पर कैपिटल डब्लू गुणे 1000, ठीक है ना, क्योंकि जब ग्राम में रहेगा तो भाई 1000, ये किलोग्राम में रहेगा तो 1000 यहां पर नहीं रहता है। फिर ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, सही से लिखेंगे तो 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यही क्या हो जाएगा? यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें भी वही चीज भाई, सैंपल अगर जानना है तो बेहद जरूरी है भाई चीजें समझना, ये डेल्टा टी एफ क्या है, ठीक। और उसके बाद यहां पर दिख रहा है आपको के एफ के अलावा स्मॉल डब्लू है, स्मॉल एम है, कैपिटल डब्लू है। तो भाई सब चीज को जान लेते हैं ना, सब चीज जानना बेहद जरूरी है ना बच्चों। चलिए अब भाई ये क्या है डेल्टा टी एफ जो है, तो इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन।
अब उसके बाद के एफ क्या है, तो इसको बोलते हैं मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो भाई ये तो विलेय का भार है, जो चीज घोला जाता है उसकी जो क्वांटिटी दिया रहेगा 10, 20 ग्राम, 50 ग्राम कुछ भी, तो वो विलेय का भार होता है, तो उसका अणु भार ये एम हो जाता है, एम हो जाता है विलेय का अणु भार। ठीक, और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो इसको बोलते हैं बच्चों विलायक का भार, विलायक का भार। तो समझ में आया रसगुल्लों, दोनों टॉपिक सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, फार्मूला भी बच्चों आपका सेम है, वहां पर जहां डेल्टा टीएफ था यहां पे, मतलब जहां डेल्टा टीबी था यहां टीएफ हो गया, वहां पर केबी था यहां केएफ हो गया, बाकी देयर इज नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन इसके अलावा नहीं है, वहां पर वृद्धि था यहां पर कमी हो गया है, इतना है बस और कुछ ना। तो चलिए चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीजिए, हो गया। तो इस तरह से दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। एक चीज और बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक परिभाषा और पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये परिभाषा भी बहुत पूछता है। अब देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसी तरह से आपका बच्चों ये था मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी परिभाषा अगर पूछ लिया तब क्या करोगे आप, गौर से सुनिएगा। हमने यहां पर क्वांटिटी 1000 रखा है, ठीक, तो परिभाषा होगा कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के एक मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि हो उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। क्या परिभाषा बताया बच्चों, विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के एक मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाए उसे कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। परिभाषा को समझ में आया कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के एक मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि हो उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर बच्चों, ये याद रखना। इसी तरह से भाई अब आपका इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये वाला, इसमें क्या होगा, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के एक मोल को घोलने पर हिमांक में जो कमी हो उसे कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब सेम है। इसको भी लिख लीजिएगा बच्चों जो हम बोल रहे हैं, फिर से सुन लीजिए कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के एक मोल को घोलने पर क्वथनांक सॉरी हिमांक में जो कमी होती है उसे कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। ये परिभाषा भी बहुत ज्यादा पूछता है, तो भाई आपके साथ दिक्कत ना हो ये भी छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।